हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाह्य वैद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव को घुमाने में क्या क्या कार्य, ठीक ना। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक वैद्युत विध्रुव रखा है, तो उस वैद्युत विध्रुव को घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपने प्रीवियस सारे वीडियोज़ देख लिए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी दिया है और आप सारे वीडियोस को लाइक भी करते हैं। अगर नहीं लाइक करते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा आपका, ठीक। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विध्रुव को घुमाने में क्या क्या कार्य। जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, और इसमें इस तरीके जिस तरीके से मैंने पेन रखा है, इस तरीके से एक वैद्युत विध्रुव है, ठीक ना। और इस वैद्युत विध्रुव को इस तरीके से घुमाने में, इसको घुमाएंगे ना, इसको घुमाने में क्या क्या कार्य। या मान लेते कि इनिशियली शुरू में ये हमारा इस तरीके से रखा था, कैसे रखा था, इस तरीके से रखा हुआ था, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसको घुमाने घुमा के थीटा एंगल तक इस तरीके से लाया गया, ठीक ना। तो इसको इस तरीके से लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, जिस पे एक वैद्युत विध्रुव ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण पर रखा है। तो यहाँ पे एंगल जो जो थीटा है, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि एंगल थीटा किसके बीच में है। तो एंगल थीटा यहाँ पे पी वेक्टर, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण पी और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, ना कि डायपोल के एक्सिस और ई के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो है वो पी, जिसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, P इक्वल टू द Q इंटू टू एल, तो P और E के बीच का एंगल है, ठीक है। तो इस डायपोल को जीरो एंगल से थीटा एंगल तक घुमाया गया है। जीरो से थीटा एंगल तक घुमाने में कितना काम करना पड़ा वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर एक डायपोल है, तो डायपोल की लेंथ टू एल है, डायपोल की लेंथ टू एल है। यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है और ए पे नेगेटिव आवेश है। तो पॉजिटिव आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक। अच्छा, अब नेगेटिव आवेश पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। यहाँ पे दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है, और एक दूसरे के अपोजिट होने के साथ साथ दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं। जब दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न होगी तो इस पे एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क के थ्रू, उस बल अघूर्ण के द्वारा इसको घुमाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, तो माना एक वैद्युत विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, और इसको थीटा कोण घुमाकर जो है वो ए वी स्थिति में लाया जाता है। तो ए वी स्थिति में लाने के लिए कितना काम करने पड़ेगा वो हम निकालते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, पहले भी कर चुकी है, बल आघूर्ण कितना एक्ट करता है वो हम पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक ना, किसी वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर में एक वीडियो बनाया था उसमें निकाल चुके। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो टाउ इक्वल टू द एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक ना। तो एक बल का परिमाण तो है क्यू इंटू ई, ठीक ना। अब दोनों के बीच की लंबवत दूरी, देखिए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली डिस्टेंस है, ठीक ना, ये थीटा है, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन का, तो जो 2L sin θ, तो लंबवत दूरी हो जाएगा 2L sin θ, तो 2L sin θ। अगेन क्यू इंटू 2L इज इक्वल टू होता है पी, इक्वल टू क्या होता है पी, तो क्यू इंटू 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, तो डेट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा टाउ, ठीक है। अच्छा, अब द्विध्रुव को डी अल्फा कोण घुमाने में, या डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू, डी डब्ल्यू छोटा सा काम करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, डेट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर ना। तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये तो हो गया
डीडीटा सॉरी DW। अतः द्विध्रुव को थीटा इक्वल टू थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। मान लेते इनिशियली शुरू में वो थीटा कोण एंगल पर था और लास्ट में उसको थीटा टू कोण तक उसको घुमाया गया है, तो थीटा टू कोण तक घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू जगह इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक ना, PE कांस्टेंट होगा तो PE इज कांस्टेंट, तो थीटा वन से थीटा टू और P साइन यहाँ बचेगा अंदर साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, थीटा टू से थीटा वन, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस ये जगह PE कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह PE कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन जब किसी डायपोल को थीटा वन कोण से थीटा टू कोण तक घुमाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, इफ यदि थीटा वन जीरो, मतलब शुरू में मान लेते हैं कि जो हमारा डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो थीटा वन इक्वल टू जीरो तथा थीटा टू इज इक्वल टू थीटा, थीटा टू इक्वल टू थीटा, थीटा टू इक्वल टू थीटा हो तो उस कंडीशन में W इज इक्वल टू जाएगा PE cos 0 माइनस cos थीटा। ठीक है ना, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो डेट इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, क्या जाएगा 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी डायपोल को घुमाने में किया गया वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ हम और स्पेशल केसेस लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट केस। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 90, मतलब 0 से 90 डिग्री तक घुमाया जाता है, तो W इज इक्वल टू जगह PE 1 माइनस cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो डेट इज इक्वल टू PE होगा। केस सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 180, अगर उसको 180 तक घुमाया जाता है तो W इज इक्वल टू जगह PE 1 माइनस cos 180, और cos 180 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है माइनस का 1, तो डेट इज इक्वल टू जगह PE 1 माइनस माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो डेट इज इक्वल टू 2PE, कितना जाएगा 2PE। ठीक ना, तो अगर डायपोल को 0 से 180 डिग्री तक घुमाया जाता है तो 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में जो किया गया काम है वो कितना जाएगा 2PE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना काम किया जाता है और कितना काम यहाँ पे किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक ना, अब आज बस इतना ही छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बनाऊंगा, बाकी सारे वीडियोज ही लॉन्ग बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना, जिसमें 2-3 टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। लास्ट टॉपिक बचेगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वो वाले टॉपिक्स करेंगे, उसको डिटेल से स्टडी करेंगे और इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और 4-5 वीडियोज जो है न्यूमेरिकल्स के करेंगे, और उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, और वीडियोस को आप लाइक कर ही नहीं रहे, कंजूसी कर रहे हैं बिल्कुल भी, हर एक वीडियोस में देखो तो 50-60 व्यूज़ अगर आ जाते हैं तो उसमें 5-7 लाइक्स होते हैं, 2 लाइक्स होते हैं, किसी किसी वीडियो में 1 लाइक्स होते हैं, तो मतलब इतनी भी क्या कंजूसी है, मतलब चलिए कोई नहीं, जैसा आपकी इच्छा कर सकते हैं।